अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 है, मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन। प्रॉब्लम 67 है। एक लड़का है, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और हाइट है 2 मीटर पे उसको घुमा रहा है। स्ट्रिंग रस्सी टूटती है, पत्थर निकलता है। वो कहता है कि 10 मीटर का फासला ये तय करता है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का और आपके पास जब वो सर्कुलर मोशन में था। अब हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है, हमें उसका शुरू के जो कोऑर्डिनेट्स कह लें कि वो आपके पास वाई, अब उसने नीचे गिरना है। 2 मीटर की हाइट पे था ना, तो 2 मीटर नीचे जाके गिरेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूर कर रहा है, 10 मीटर का तय कर रहा है। अब वो जब वो घूम रहा होगा तो इस तरीके से उस रस्सी निकली होगी, तो ये आप एक तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जैसे मैंने यहाँ पे बना के समझाया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। शुरू में सारा एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट शुरू में नहीं होगा, तो वी नॉट वाई जीरो कर दिया। तो यहाँ से टाइम लेंगे हम के आपके पास कितने टाइम में वो जाएगा, तो हम वी वाई बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी का टूल ले लेंगे। तो वी नॉट तो जीरो है, बाकी सारी वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे तो 0.6388 सेकंड आ जाएगा। अब उसने कितनी दूर गया, अब हमें पता है डी हमें पता है गया 10 मीटर का, तो यहाँ से वी नॉट निकाल लेंगे। तो वी नॉट हमें पता लग गया कि जनाब 15.6 मीटर आ जाएगा। तो अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट की पता लग गई है, तो हम जानते हैं ए बराबर आ जाएगा वी नॉट स्केयर बाई आर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाली जा सकती है, तो 160 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगा। तो ये उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।